हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सोबान, अ बीएमएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आज का वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं और कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, कितने मिनिमम मार्क्स पे एडमिशन होता है। कितना सारा कमेंट्स भरा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन है कट ऑफ से रिगार्डिंग। कट ऑफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन है, पूरा जितना भी कमेंट्स है ये सब कट ऑफ से रिगार्डिंग है। तो एडमिशन का जो प्रोसीड्यूर है उसका एक ही क्राइटेरिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, योर रैंक मस्ट बी ग्रेटर देन कट ऑफ मार्क्स। आपका जो मार्क्स है कट ऑफ का जो लिमिटेड मार्क्स है उससे ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो मैं आज गवर्नमेंट बी कॉलेज हॉस्पिटल का कट ऑफ के बारे में बात करना चाहूँगा। बिहार में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, और इसके अलावा भी प्राइवेट कॉलेज है जैसे ZH यूनानी मेडिकल कॉलेज सिवान, निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज गया, सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज दरभंगा, सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज चकिया। तो जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसका जो एडमिशन का प्रोसीड्यूर है, कम से कम आपके पास एटलीस्ट पासिंग मार्क्स होना चाहिए, पासिंग मार्क्स अबव होता है जनरली एडमिशन हो जाता है। और गवर्नमेंट में लेने के लिए उसका मार्क्स कुछ क्राइटेरिया है, वो उस लिमिटेड मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है। मैं आज इसी प्रोसेस की बात करना चाहूँगा। बिहार का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है आयुष काउंसलिंग होता है, आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है, जो 2020 में आईएएस भवन में हुआ था और 2021 में जो अभी जो फिलहाल में हुआ है लास्ट ईयर वो गवर्नमेंट बी कॉलेज हॉस्पिटल पटना में हुआ था, और 2022 का कहाँ होगा अभी डिसाइडेड नहीं है, इस दफ़ा पता चलेगा। और इसी में 2022 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको अगर जानना है कट ऑफ कितना है तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो कट ऑफ तो आप समझ गए, मिनिमम मार्क्स है जिस पे कोई सीट अलॉट होता है किसी स्टूडेंट्स को। तो मैं बताना चाहूँगा प्रोसेस एडमिशन का। काउंसलिंग के थ्रू जो होता है 4 राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग जिसको हम लोग मॉपअप राउंड कहते हैं, और फोर्थ जो होता है लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड। और सीट्स में स्पेशल कोटा भी होता है, RCG कोटा जो गर्ल्स के लिए स्पेशली होता है। और काउंसलिंग का दो प्रोसेस है, एक स्टेट वाइज काउंसलिंग और एक ऑल इंडिया कोटा। तो मैं बात कर रहा हूँ इस स्टेट वाइज काउंसलिंग का। स्टेट वाइज में तो आप देख सकते हैं कितना कमेंट्स है, ये सारा कमेंट्स सब क्वेश्चन इसी पे डिमांडेड है। तो मैं जो स्पेशली जो कंपेयर कर रहा हूँ 2020 और 21 में, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है लोगों में वो ये है कि उर्दू कंपलसरी है या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उर्दू अब कंपलसरी नहीं है यूनानी करने के लिए। 2020 में जो एडमिशन हुआ था उस वक्त तक उर्दू कंपलसरी था, जिसके पास उर्दू नहीं था उसका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन 2021 में जो अभी हुआ एडमिशन उसमें उर्दू कंपलसरी नहीं है, उसमें जो है हिंदी वाले स्टूडेंट भी रख सकते हैं, जिसके पास उर्दू नहीं है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को एडमिशन लेने के दौरान। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कट ऑफ का गवर्नमेंट बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना का। तो 2020 में जो एडमिशन हुआ था काउंसलिंग, उस काउंसलिंग के थ्रू उसका मार्क्स जो था मिनिमम अप्रॉक्स में 250 के अबव भी एडमिशन हो गया था, 250 से अबव जितना का मैक्सिमम था जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन क्यों ऐसा था, क्योंकि उस वक्त उर्दू कंपलसरी था और उस मुस्लिम स्टूडेंट्स जिनके पास उर्दू नहीं आता था तो उनका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उर्दू मस्ट था। और उसके बाद 2022 में जो एडमिशन हुआ तो उर्दू कंपलसरी हटा दिया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। कट ऑफ हाई होने की वजह से जो है सीट जो है इसका कट ऑफ हाई होने के बाद बहुत सारा सीट्स तो फिक्स ही है, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा अलग हो गया और डिफ़िकल्ट हो गया स्टूडेंट्स के लिए। तो इस दफ़ा जो हुआ काउंसलिंग लेटेस्ट में 2021 में टोटल गवर्नमेंट बी कॉलेज हॉस्पिटल में 125 के अराउंड सीट है, जिसमें से बटा हुआ सीट्स, तो मैं कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा UR जनरल के लिए जो मिनिमम मार्क्स था मॉपअप राउंड में, फाइनल राउंड में लास्ट में जो हुआ है 438 UR का जो रैंक था 438 पे एडमिशन हुआ है कट ऑफ। EBC के लिए 417 और BC के लिए 343, RCG के लिए 404 और EWS 418। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, UR के लिए कट ऑफ था 438, EBC के लिए 417 और BC के लिए 343, RCG के लिए 404 और EWS के लिए 418। ये था कट ऑफ लास्ट मॉपअप राउंड का जिस पे एडमिशन हुआ। ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो 400 प्लस जिसका भी मार्क्स रहा उसको एडमिशन हो गया है एन एवरेज। लेकिन ये कुछ फ्लक्चुएशन भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि 438 सिर्फ जनरल वालों के लिए ही हुए,
कितना कुछ फ्लक्चुएशन हुआ होगा, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं उसके हिसाब से मैं बताया हूँ। 438 जो है जनरल के लिए है, ईबीसी के लिए 417, बीसी के लिए 343, आरसीजी के लिए 404 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 418। ये मॉपअप राउंड का था मार्क्स। आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।